और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो सीधे बेंगलुरु से आ रही है। आपको बता दें बेंगलुरु शहर में लोकायुक्त की रेड चल रही है, यह अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है बेंगलुरु से। और लगभग 10 जगहें बताई जा रही हैं बेंगलुरु में जहां लोकायुक्त की जो टीम है, लोकायुक्त के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा रेड की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आपको बता दें तमाम जो शख्स हैं वो अंडर लेंस हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी तोयाजक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तोयाजक्षी प्लीज गिव अस मोर डिटेल। तो दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारी सहयोगी तोयाजक्षी से जो इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि लोकायुक्त के जो अधिकारी हैं बेंगलुरु में 10 जगहों पर उनकी रेड चल रही है, 10 जगहें बताई जा रही हैं और आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में ये जो रेड है वो फिलहाल चल रही है। तो बड़ी अहम जानकारी निकलकर यहां पर सामने आ रही है, आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये रेड फिलहाल चल रही है। हमारी सहयोगी तोयाजक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तोयाजक्षी, लोकायुक्त रेड्स ऑन बेंगलुरु, please give us more detail. Well, Shweta, that's absolutely the revenue department. Last year in 2022, the revenue department had placed Bangalore East Tahsildar Ajit Kumar Rai under a suspension for allegedly helping stormwater drain encroaches obtain the court stay by delaying action, which led to a halt in the demolition drive. So he was suspended last year, and now again he's back as a Tahsildar at the same location, where now that the Lokayukta, with the help of Lokayukta SP, they have started raids at his residence today at Kiarpuram, and not only his residence, another 10 locations are also being searched on the allegations of non-accountable properties and other assets. राइट, तो अध्यक्ष आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स के बाद जिस तरीके से यहाँ पर अनियमित आय से अधिक संपत्ति की बात हो रही है, तो क्या उसके बारे में भी लोकायुक्त के अधिकारियों द्वारा कुछ मीडिया को सूचना दी गई है? श्वेता, करंटली द रेड्स आर अंडर वे वेयर द रेड्स हैव स्टार्टेड एट द तहसीलदार अधिक राय रेसिडेंस एंड दे आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर the property, the documents of the properties which is non-accounted, and it is not only happening at his residence. Like I mentioned before, it is also happening at other 10 locations today. The Lokayukta raids will be happening, and also they will be knowing that in some time. राइट, तोयाजक्षी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो लोकायुक्त की बेंगलुरु के जो तहसीलदार हैं, लोकायुक्त के अधिकारी द्वारा रेड की जा रही है, लगभग 10 जगह बताई जा रही हैं जहां पर ऐसे अधिक संपत्ति होने के मामले में ये छापेमारी चल रही है।